अल्मोड़ा के सोमेश्वर में वन विभाग की ओर वन जीव सुरक्षा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा में एक गोष्ठी आयोजित की गई। वहीं स्कूली छात्रों ने चनौदा बाजार में जागरूकता रैली निकाली और लोगों को प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। वहीं उप वन क्षेत्राधिकारी राम सिंह रावत ने भी वन्य जीवों और वनों के संरक्षण पर जोर दिया। वन जीव संरक्षण सप्ताह का कार्यक्रम जो आज महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में मनाया गया वन विभाग के द्वारा और सरपंच खुद लीला बोरा, आज यहां पर हमने अपने बच्चों को भी जागरूक किया और क्षेत्रीय जनसभाओं को भी हमने जागरूक किया कि अपने जंगलों को बचाएं, ताकि अपने जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनको बचाने का कार्य करें। और स्कूल के बच्चों को जागरूक किया, वहाँ पर भी हमने एक सभा की जिसमें बच्चों को जागरूक किया, हमने एक रैली भी निकाली। आज हमारे वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है विभाग की तरफ से। आज हमने गांधी इंटर कॉलेज चनौदा में एक रैली निकाली बच्चों की, और उसमें हमने बच्चों को समझाया कि वो जानवरों को जंगली जानवर जो है उनकी सुरक्षा करें और अब किसी जानवर को नजायज तरीके न छेड़ें। छेड़ने पर जो है वो आपको अटैक करेंगे, और दूसरा जो है जंगलों में थोड़ा उनका जो प्राकृतिक वास है वहाँ अतिक्रमण होने के कारण जो है वो लोग हमारे आवासों में या हमारे गांव के नजदीक आ गए हैं। उनका अपनी सुरक्षा अपने हाथ से करनी है। शाम को अपने टाइम से अपने घर के अंदर चले जाएँ, लाइट जला दें, रात को बाहर ना निकलें।